मंगल दोष कौन सी मुश्किलें दे सकता है, यानी कि मांगलिक दोष होने के बावजूद नॉन मांगलिक व्यक्ति से विवाह करने के बाद क्या परेशानी आ सकती है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। पिछले शायद डेढ़ दशक से एक प्रोफेशनल ज्योतिषी के तौर पर मैं कार्यरत हूं। हज़ारों क्लाइंट्स पूरे विश्व भर में मेरे पास हैं, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, लंदन, भारत, दुबई जैसे अलग अलग कई सारे देश, विदेश, प्रदेश में हज़ारों क्लाइंट्स मेरे पास हैं। सैकड़ों स्टूडेंट्स को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दिया, सैकड़ों स्टूडेंट्स को ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत तत्वों का ज्ञान दिया, ज्योतिष शास्त्र सिखाया, कॉम्बिनेशंस, योग क्या होते हैं, सारी ही माहिती दी। और जब भी मेरे स्टूडेंट मेरे पास सीख ले रहे थे, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, जब उनकी पढ़ाई का क्रम चल रहा था, जब मांगलिक दोष के ऊपर, जब मंगल दोष के ऊपर चर्चा होती थी, तब हमेशा ही कुछ मेरे स्टूडेंट ऐसे होते थे कि सर मांगलिक दोष है, नॉन मांगलिक व्यक्ति से विवाह कर भी लिया तो क्या ही बुरा हो जाएगा, क्या ही दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएगा, क्या ही नुकसान हो जाएगा, क्या मुश्किलें मिल जाएगी, क्या ही हो जाएगा, यानी कि जो होगा वो देखा जाएगा। इस संदर्भ में नहीं, लेकिन जानकारी प्राप्त करने के लिए वो क्यूरियोसिटी होती थी उनको कि सर क्या हो सकता है। मेरे पास ऐसे कई सारे क्लाइंट्स भी थे जो कि मंगल दोष होता था, मैं विवाह करने के लिए मना कर देता था, या कुछ ऐसी परिस्थिति होती थी जब मैं विवाह के लिए मना कर देता था, अथवा तो मंगल दोष होने के बावजूद भी मैं विवाह करने के लिए हाँ बोल देता था, तब भी वो मुझसे पूछ लेते थे कि सर मंगल दोष है, बावजूद भी आप विवाह के लिए हाँ बोल रहे हैं, कि मंगल दोष नहीं है तब भी आप विवाह के लिए मना कर रहे हैं, मंगल दोष है इसलिए आप मना कर रहे हैं, क्या रीज़न है, और मंगल दोष अगर है तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे कि क्या ही उखाड़ लेगा मंगल, ऐसे भी पूछ लेते थे कई लोग। लेकिन ये जो क्यूरियोसिटी लोगों के दिमाग में थी, लोगों के साथ जब मेरी बातचीत होती थी, जब मैं कंसल्टेंसी करता था, परामर्श देता था, तब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा ही उठता था, और कई लोग पूछते भी थे कि मंगल दोष का क्या ही दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है, मंगल दोष से क्या नुकसान हो सकता है, मंगल दोष से क्या मुश्किलें आ सकती हैं। इस विषय पर हमेशा ही लोग पूछने की कोशिश करते थे। मंगल दोष के ऊपर बहुत बृहद चर्चा हमारी होती रही है। इसे YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में मांगलिक प्लेलिस्ट में आपको सारी ही महत्वपूर्ण माहिती मिल जाएगी। क्या मैं मांगलिक हूँ, इस प्रकार से आप यह समझ सकते हैं कि क्या आप मांगलिक हैं भी या नहीं। मांगलिक में भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे लो मंगल होता है, हाई मंगल होता है, निम्न मंगल होता है, उच्च मंगल होता है, आंशिक मंगल होता है, पूर्ण मंगल होता है, ये बहुत सारे अलग अलग विभिन्न मांगलिक दोष होते हैं। इस विषय पर भी हमारी निरंतर चर्चा होती रहती है। मांगलिक भाव, मांगलिक स्थान के ऊपर भी हमारी चर्चा हुई। अगर आप मांगलिक थे तो आपको मैंने बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि आप मांगलिक हैं। मांगलिक के लक्षण के विषय में भी मैंने चर्चा करी, मांगलिक दोष का भंग कैसे हो सकता है, मांगलिक दोष का काट कैसे हो सकता है, अगर मंगल है और नॉन मांगलिक से विवाह करना है तो क्या उसके उपाय भी हो सकते थे, नॉन मांगलिक क्या होता है इस विषय पर चर्चा करी, मांगलिक का नॉन मांगलिक से विवाह क्या संपन्न हो सकता है, क्या संभव हो सकता है इस विषय पर चर्चा करी, मांगलिक दोष कैसे बनता है, मांगलिक दोष क्या होता है इस विषय पर भी मैंने खुल करके बात करी, 28 साल की उम्र के बाद क्या मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है इस विषय पर चर्चा करी, 25 से अधिक गुण मिलने पर क्या मांगलिक दोष भंग हो जाता है इस विषय पर भी चर्चा करी, अस्त हो जाने पर मंगल क्या मांगलिक दोष नहीं लगेगा इस विषय पर भी चर्चा करी, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने से क्या मंगल दोष भंग हो जाता है इस विषय पर भी मैंने चर्चा करी, सिंगल मांगलिक, डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक ये सब क्या होता है इस विषय पर भी हमेशा हमारी निरंतर चर्चा होती रहती है। आज मैं आपके साथ यह चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि कुछ ऐसे गिने चुने लोग होते हैं, खास करके जो मांगलिक होते हैं उनमें ही ऐसी साहस की स्थिति होती है, उनमें ऐसा करेज होता है, उनके अंदर ऐसा बाहुबल होता है, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर ऐसा आत्मविश्वास होता है कि मैं मांगलिक हूँ चाहे नॉन मांगलिक हूँ, मैं विपरीत से विवाह कर लूँगा, यानी कि मैं मांगलिक हूँ तो नॉन मांगलिक से विवाह कर लूँगा, अगर मैं नॉन मांगलिक हूँ फिर भी मैं मांगलिक से विवाह कर लूँगा, क्या ही हो जाएगा, क्या ही बिगाड़ लेगा मंगल, ये सारे बहुत सारे अलग अलग प्रश्न जो साहस रखने वाले व्यक्ति होते थे वो पूछते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी एक यूट्यूब पर वीडियो ही बनाई जाए जिसके ऊपर
मैं अपने विचार, अपना अनुभव और ज्योतिष शास्त्र का क्या कहना है इस विषय पर मैं प्रकाश डाल सकूं, और मैं इसलिए आज आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। सबसे पहले तो हम यह माहिती प्राप्त कर लेंगे कि मंगल दोष बनता कैसे है, मांगलिक दोष बनता कैसे है। जब भी मंगल देव आपके 12th हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, जन्म कुंडली यानी कि लग्न कुंडली, डिवन चार्ट और मून चार्ट यानी कि चंद्र कुंडली, इनमें अगर बैठे हुए हों तो विभिन्न प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि निम्न मांगलिक, उच्च मांगलिक, आंशिक मांगलिक, पूर्ण मांगलिक, लो मांगलिक, हाई मांगलिक, जैसे विभिन्न प्रकार के मंगल दोष बना देते हैं। अब मंगल दोष बना हुआ है, नॉन मांगलिक के साथ आप विवाह करना चाहते हैं, या सामने वाला मांगलिक है, आप नॉन मांगलिक हैं और विवाह करना चाहते हैं, तो उसके पहले तो यह समझने की कोशिश करिए कि मंगल दोष किस परिस्थिति का बना हुआ है। मंगल दोष हो सकता है कि पॉजिटिव में भी बना हुआ हो, यानी कि सकारात्मक प्रभाव देने के लिए भी बना हो। मंगल दोष का विवाह के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि मांगलिक दोष का भंग भी हो सकता है, मांगलिक दोष का कैंसिलेशन भी हो सकता है। अगर मांगलिक दोष है तो उसके उपाय भी है, काफ़ी सारी हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जहाँ से मंगल दोष के परिहार के लिए भी विचार किया जाता है, कैंसिलेशन के ऊपर भी विचार किया जाता है, रेमेडीज करके भी मंगल दोष को शांत किया जा सकता है। तो इस विषय पर मैंने चर्चा कर रखी है, आप इसी YouTube चैनल धनवेश ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग मांगलिक प्लेलिस्ट में सारे ही वीडियोस देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो यह माहिती प्राप्त करें कि मंगल दोष क्या भयानक बना हुआ है, क्या घातक बना हुआ है, क्योंकि मंगल दोष घातक भी होता है। कई मामलों में हमने ऐसी स्थिति भी देखी हुई है कि मंगल दोष से काफ़ी सारी जीवन में परेशानियां भी आती हैं, और प्रबल प्रभावी मंगल दोष बना हुआ था तब भी कोई परेशानी नहीं आई। तो यह माहिती हमें डिफ्रेंशिएट करनी होगी, हमें इसका विभाजन करना होगा कि सबसे पहले तो आप मंगल दोष को समझने की कोशिश करिए कि क्या मंगल दोष सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं यानी कि पॉजिटिव बने हुए, क्या मंगल दोष नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं यानी कि नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, और थर्ड पॉइंट ये आता है कि क्या घातक मंगल दोष बना हुआ है यानी कि घातक यानी कि सामने वाले की जान तक भी चली जाए ऐसी स्थिति हो सकती है। अब मंगल दोष का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, मंगल दोष क्या परेशानी दे सकता है, मंगल दोष क्या गड़बड़ी कर सकता है, मंगल दोष क्या बिगाड़ सकता है, मंगल दोष का क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है, इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मंगल को हमें समझना होगा, तब जाकर के ही हम मंगल दोष को समझ पाएंगे। मंगल होता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, गुस्सा, क्रोध, एंगर, तेज, बाहुबल, पराक्रम, परिश्रम, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उतावलापन, जल्दबाजी, धैर्य की कमी, साहस, करेज। अब साहस में दुस्साहस भी हो सकता है यानी कि इतना ज़्यादा साहस भी हो जाता है कि उसमें दिमाग की सोच ही ना लगाएं, बुद्धि का उपयोग करे बिना ही कुछ ना कुछ उत्पटंग चीज़ें कर दे, यानी कि यह भी हो सकता है। मंगल चोरी विद्या भी रखते हैं, चोरी करना इसे भी मंगल दोष के ही अंतर्गत में आता हुआ दिखाई देता है। कर्जा, डेप्थ, स्पर्धा, शत्रु, बीमारी, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, ब्लड, खून है ना, रक्त, और मंगल रक्त के ही कारक होते हैं। मंगल रक्त कण जो होते हैं, ब्लड के अंदर जो रेड सेल्स होते हैं, इसके कारक मंगल देव होते हैं। तो ये सारे ही कारक तो मंगल ग्रह के अंदर आते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब मंगल ग्रह क्या खराब कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मंगल देव फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हो यानी कि पहले स्थान में बैठे हुए हो, तो मंगल अपराध भी करता है, मंगल हत्या भी करता है, हत्यारा भी कहा गया है, चोरी भी जानता है, क्रोध भी जानता है, अपना वर्चस्व जमाने के लिए कुछ भी, कोई भी निंदनीय कार्य भी कर सकता है, किसी भी नीचे की हद पर जा सकता है। मंगल ऊर्जा है, तेज है, आवेग है। अगर आपको पता है कि ऊर्जा का अतिरेक हो जाए, किसी भी चीज़ का अतिरेक हो जाए, तो वह चैनलाइज नहीं हो सकता, वो किसी एक फॉर्मेट में नहीं रहेगी, किसी एक माध्यम में नहीं रहेगी, वो उसका ब्लास्ट हो जाएगा यानी कि विस्फोट मंगल ही होता है। तो इस प्रकार से जब भी मंगल का फर्स्ट हाउस से संबंध बन जाता है, तो फर्स्ट हाउस में मंगल गुस्सा दे देते हैं, एंगर इश्यूज दे देते हैं, पापक ग्रह कहे जाते हैं ना, क्रूर ग्रह कहे जाते हैं मंगल। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे जो मैंने कारकत्व बताए आपको, ऐसे दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट कर बैठे आप, सामने वाले के साथ झगड़े करते रहें, सामने वाले के साथ आप गाली गलौज करें, दूर भाषा का व्यवहार करें, आत्मविश्वास इतना ज़्यादा होता है कि सामने वाले को कुछ भी
ईजा पहुंचाने के लिए, हत्या तक भी आप करने के लिए आतुर हो जाते हैं, सर पर गुस्सा सवार रहता है, ऐसी स्थिति होती है। किसी लोगों के लिए कहा जाता है ना कि इसके तो नाक पर ही गुस्सा बैठा होता है, तो ये मंगल दोष वाले ही प्रभाव देखे जाते हैं। मंगल आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मंगलदेव छठवें स्थान में कारक होते हैं। छठवां स्थान होता है रोग रिपु ऋण, यानी कि बीमारी, शत्रु और कर्जा, तो ये सारे ही जीवन में आपके उथल पाथल हो जाए, शत्रु पीड़ा देखने को मिल जाए, दिन ब दिन आपके सामने नए शत्रु खड़े होते रहें, आपको नुकसान पहुंचाते रहे, समाज में आपकी छवि खराब कर दे, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो जाए, आपका अपमान हो जाए, घोर अपमान हो जाए, ऐसी बहुत गंदी से गंदी चीज़ें भी छठवें स्थान से, क्योंकि कारकत्व मंगलदेव का देखा जाता है, इस वजह से हो सकती है। आर्थिक रूप से भी आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सकते हैं मंगलदेव। क्यों पहुंचा सकते हैं? आर्थिक यानी कि धन से जुड़ी हुई धन हानि भी हो सकती है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में जब मंगलदेव बैठे हों तब मांगलिक दोष बनता है, मंगल दोष बनता है। ट्वेल्थ हाउस होता है हानि का, व्यय का, क्षय का, खर्चे का, नुकसान का, तो ये सारी स्थिति बारहवें भाव से देखी जाती है, तो ये सारे ही प्रभाव आपके जीवन में भी देखने को मिल जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। सेपरेशन, तलाक की स्थिति बन जाए, दो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेम था, जब तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की अवस्था में थे तब तक अधिक प्रेम था, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, विवाह कर लिया, मंगल दोष एक्टिव हो गया, अब एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं। कोर्ट में जाकर के केस, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस कोर्ट का भी होता है, बीमारियों का भी होता है। हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि बारहवां स्थान होता है आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का, आप बीमार हो गए, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, तो वो ट्वेल्थ हाउस से ही देखा जाता है। पुलिस कचहरी यानी कि थाना, पुलिस ऑफिसर से पीड़ा मिलती है, तब वो भी जेल यात्रा, सब कुछ ट्वेल्थ हाउस से भी देखा जाता है, तो ये सारे ही जीवन में आपके प्रभाव देखने को मिल जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। ट्वेल्थ हाउस यहाँ पर क्योंकि ट्वेल्थ हाउस की बात करें तो उसमें और भी ऐड करके बताऊँ मैं कि ट्वेल्थ हाउस होता है आपके फिजिकल रिलेशनशिप का, आपकी पत्नी या आपके पति आपको कितना सेटिस्फाइड करेंगे, आपको कितना संतुष्ट कर पाएंगे, ये सारी स्थिति भी हम ट्वेल्थ हाउस से ही देखते हैं। तो ये सब कुछ अगर विवाह से पहले मंगल दोष का विचार नहीं किया जाता तो ये सारे ही आपके जीवन में परेशानियाँ आएँ, ऐसी स्थिति हो सकती है। मंगलदेव भूमि के कारक होते हैं यानी कि जमीन के कारक होते हैं, जमीन पर आप घर बनाएंगे ना, घर यानी कि आपका खुद का स्वभवन, फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस में भी जब भी मंगलदेव बैठे हों तब वो मंगल प्रभाव देते हैं ये मंगल दोष का, तो मंगलदेव सुख के कारक मंगलदेव नहीं होते लेकिन सुख का स्थान चतुर्थ स्थान होता है, तो आपके सुख में कमी आ जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। आपके माता पिता के साथ आपके संबंध खराब हो जाए, आपके सास ससुर के साथ आपके संबंध खराब हो जाए, आपके सुखों में कमी आ जाए, आप अपना घर लेने के लिए पैसे भी पड़े हुए हैं, दिन रात प्रयत्न भी कर रहे हैं लेकिन खुद का घर, खुद का स्वभवन नहीं अर्जित कर पा रहे, नहीं बना पा रहे, तो ये सब कुछ ही मंगलदेव से होता है। अचानक व्यापार चल रहा था ठप हो गया, बैठ गया, जॉब से निकाल दिया गया, यानी कि कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई, क्योंकि यहाँ से उनकी दृष्टि जाएगी ना मंगलदेव की, तो ये सारी ही स्थिति हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको गड़बड़ी, परेशानी देखने को मिल जाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। यानी कि ओवरऑल अगर मंगल दोष का देखा जाए दुष्प्रभाव, मंगलदेव क्या मुश्किलें दे सकते हैं, क्या परेशानी दे सकते हैं, तो जीवन के हर एक क्षेत्र में वो परेशानी आपको दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन में तबाही ला सकते हैं, सेपरेशन की भी स्थिति बना सकते हैं, पुलिस कचहरी, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सारे ही चक्कर ज़्यादा से ज़्यादा बने, फिजिकल रिलेशनशिप में आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, ऐसी स्थिति हो सकती है। आयु पर भी खतरा बना रहता है, दुर्घटना में मृत्यु भी हो सकती है, दुर्घटना कई प्रकार की हो सकती है, वाहन में दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि अगर आप कहीं पर यात्रा कर रहे हैं और अचानक से ही आप वाहन का अकस्मात हो जाता है और वहीं पर मृत्यु हो जाती है, अन्यथा अंग भंग हो जाता है यानी कि फ्रैक्चर की स्थिति हो जाती है, पूरा अंग कट जाए यानी कि पैर कट गया, हाथ कट गया, कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है। जल करके मृत्यु भी हो सकती है, जल करके यानी कि आग लगा देना खुद पर, सुसाइड अटैम्प्ट जो होते हैं वो सारे, पॉइजन खा करके यानी कि विष पी करके आप सुसाइड के लिए प्रयत्न करें, नदी तालाब समुंदर में जाकर के डुबकी मार दे और वहाँ पर मृत्यु हो जाए, स्विमिंग पूल में भी आजकल तो डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये सारे ही लक्षण मंगल दोष के हो जाते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान से भी मंगल दोष बनता है ना। अष्टम स्थान होता है दुर्घटनाओं का, जीवन और मृत्यु का, और वहाँ पर भी जब मंगलदेव अपना प्रभाव दे तो ये सारी ही स्थिति हो सकती है। व्यापार अच्छे से चल रहा था, अचानक से ही कर्जा बढ़ गया, इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ गया कि कर्जा लेने वाले बस जान लेकर के ही दम लेंगे, ऐसी स्थिति बन जाती है, यानी कि कर्जा बढ़ जाता है, धन हानि हो जाती है, ये सारी ही स्थिति सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है, वहाँ पर मंगलदेव का कारकत्व आ जाता है। इस वजह से जीवन के हर एक पड़ाव पर मंगलदेव मंगल दोष बनाते हो तो आपको परेशानी दे सकते हैं,
मुश्किलें आ सकती हैं। अब कितना आपके लिए दुष्प्रभाव देंगे, कितनी मुश्किलें देंगे, कितना परेशान करेंगे आपको, मंगल देव की स्थिति देख करके पता चल पाएगा। मंगल देव अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए होंगे, सकारात्मक पॉजिटिव स्थिति में बैठे होंगे, तो मंगल देव आपको कोई नुकसान ना दे, उल्टा इन सभी चीज़ों में जो मैंने आपको पढ़ाओ जीवन के गिनाए उन सभी में लाभ दें, फायदा दे, ऐसे भी स्थिति हो सकती है। अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो कुछ महीनों में आप बैर कर सकें, आप उसका आप सहन कर सके, उतनी ही आपको परेशानी आएगी अथवा तो उससे थोड़ी ज़्यादा आएगी, लेकिन आप फिर भी तालमेल बिठा लेंगे, बैलेंस बना लेंगे, ऐसी स्थिति में चल जाएगा केस। लेकिन अगर घातक स्थिति में मंगलदेव बैठे हुए हों, घातक स्थिति के ऊपर भी आने वाले दिनों में निश्चित से ही मैं विस्तार से चर्चा करूँगा, क्योंकि मंगलदेव को देख करके कैसे पता लगाया जाए कि सकारात्मक स्थिति में बैठे हैं, नकारात्मक स्थिति में बैठे हैं कि घातक स्थिति में। अगर घातक स्थिति में बैठे हुए हों तो मैंने जीवन के जो भी पढ़ाव आपको गिनाए, कार्यक्षेत्र हो, सुख हो, वैवाहिक जीवन हो, दाम्पत्य सुख हो, पुलिस कचहरी, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, कर्जा, शत्रु, बीमारी, ये सब कुछ हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती है, सब कुछ संभव हो सकता है। और डोमिनेटिंग नेचर, एक तरफा हुकुम की भावना, एक तरफा राज करने की भावना, ये सब कुछ भी मंगल देता है। अकेला राज करने वाला ग्रह मंगलदेव कहा गया है। सेनापति, हत्यारा, ये सारे ही मंगलदेव के स्वभाव में आने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये सभी जीवन के पड़ाव में आपको मंगलदेव, आपको मंगलदोष हार्म कर सकते हैं, आपको परेशानी दे सकते हैं, आपके इन सभी जीवन के क्षेत्र में आपको परेशानी ला करके दे सकते हैं, आपको असर दे सकते हैं, अपना प्रभाव दे सकते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। इसलिए अब की बार किसी को ना पूछिएगा कि मंगल दोष क्या ही बिगाड़ लेगा। मंगल दोष जब बिगाड़ने के लिए आता है तब विधवा तथा विदुर की स्थिति भी बन जाती है, मृत्यु तक का भी स्थिति देखने को मिल जाता है। इस वजह से हमेशा ही ज्योतिषियों पर भरोसा करें अथवा तो खुद ज्योतिष सीख ले, ताकि आपको पता चल पाएगा कि मंगल दोष की क्या स्थिति होती है और उसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। अगर खुद नहीं सीख सकते, अच्छे से कोई ज्योतिषी हो तो उनके ऊपर भरोसा करिए, वो कहते हैं तो अच्छा कहते हैं, आपके अच्छे जीवन के लिए ही ज्योतिष अपना पूरा प्रयत्न करता है। उम्मीद है मुझे कि मंगल दोष के दुष्प्रभाव पर आपने चर्चा सुनी होगी, समझी होगी और इससे कुछ सीख ली होगी। आने वाले दिनों में मंगल दोष के ऊपर और भी चर्चा होती रहेगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस के ऐसे ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तथा रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर साधारण सा शुल्क खर्च करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जीवन की किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो निसंदेह हमसे जुड़िए, आपको आपकी समस्या का समाधान देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। संपर्क करने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको वेबसाइट तथा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे होंगे, वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, अन्यथा व्हाट्सएप अथवा तो फ़ोन कॉल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन तथा चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए, नमस्कार।